अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। आइए देखें पटना के 10 सबसे अच्छे स्थान कौन से हैं। पटना भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसको कई सदियों पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी भी है और यहाँ देखने लायक कई जगह मौजूद हैं। तो आइए प्रकाश डालें पटना की ऐसी ही 10 जगहों पर और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इनाम जीतने के लिए आपको वीडियो के सवाल का जवाब भी तो देना है। तो आइए शुरू करें। नंबर 10, श्री कृष्णा साइंस सेंटर। पटना के नामी गिरामी गांधी मैदान के पास बना हुआ है श्री कृष्णा साइंस सेंटर, जहां विज्ञान की दुनिया से जुड़ी कई रोचक वस्तुएं और मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि इस जगह जरूर जाएं। नंबर 9, फंटेसिया वाटर पार्क। फंटेसिया पटना का सबसे पुराना और लोकप्रिय वाटर पार्क है, जिसको साल 2012 में जनता के लिए खोला गया था। यहाँ मस्ती के लिए ढेरों वाटर स्लाइड्स और अन्य आकर्षण हैं। ये वाटर पार्क 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने की एक अच्छी जगह है। नंबर 8, बुद्धा स्मृति पार्क। पटना के रेलवे स्टेशन से कुछ चंद कदम दूर बना हुआ है बुद्धा स्मृति पार्क। ये पार्क गौतम बुद्ध जी को समर्पित है और इसका उद्घाटन 2010 में श्री दलाई लामा जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। इस पार्क का मुख्य आकर्षण इसके मध्य में मौजूद 200 फीट ऊंचा स्तूप है। अगर आपको अध्यात्म में खास रुचि है तो यहाँ मौजूद मेडिटेशन सेंटर और लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। नंबर 7, पटना म्यूजियम। किसी भी जगह को करीब से जानने का सबसे अच्छा जरिया होता है वहाँ के संग्रहालय। पटना संग्रहालय एक 100 साल पुराना संग्रहालय है, जहाँ 45,000 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं संग्रहित करके रखी गई हैं। यहाँ पर मौर्य राजवंश, गुप्ता राजवंश के साथ अंग्रेजों के जमाने की कई चीजें देखकर आप इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। नंबर 6, महावीर मंदिर। पटना का महावीर मंदिर उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर मनोकामना मंदिर भी कहलाया जाता है। यूं तो यहाँ हमेशा काफी रौनक रहती है, लेकिन रामनवमी पर यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के आसपास कई अन्य दुकानें और हस्तरेखा देखने वाले मौजूद हैं। नंबर 5, गोलघर। गोलघर 1786 में अंग्रेजों के दौर में बना एक विराट अन्न भंडार गृह है। इस विशाल गोदाम की एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खामी है, जिसकी वजह से इसको कभी पूरा नहीं भरा गया। दरअसल इसके सारे दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, जिस वजह से इसको अगर पूरा भरा जाता तो इसके दरवाजे इतने सारे अन्न के दबाव में खुल ही नहीं पाते। नंबर 4, इको पार्क। पटना धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक मॉडर्न छवि सबके सामने पेश कर रहा है। इस पहचान बनाने में उसका साथ दे रहे हैं इको पार्क जैसी बेहतरीन जगह। इको पार्क में आप बोटिंग, चिल्ड्रन पार्क, जॉगिंग, खानपान आदि के मजे अपने परिवार के साथ उठा सकते हैं। नंबर 3, सोनपुर मेला। पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनपुर, जहां हर साल लगता है पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। इस मेले को देखने के लिए आपको नवंबर दिसंबर के माह में यहां आना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पशु मेला नहीं है, बल्कि यहां जादू के शो, लोक नृत्य और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नंबर 2, तख्त श्री पटना साहिब। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना शहर में हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह जी ने उनकी याद में यहाँ पर श्री पटना साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। ये जगह सिखों के
अति पावन 5 तख्तों में से एक है और इस गुरुद्वारे को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। नंबर 1, पटना जू। नंबर 1 पर स्थान हासिल किया है पटना के चिड़ियाघर ने। ये जगह पटना वासियों में बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ हर वीकेंड हजारों लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं। पटना चिड़ियाघर 1969 में जनता के लिए खोला गया था और इसे संजय गांधी जैविक उद्यान नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब जानते हैं पटना घूमने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अगर आप पटना में ये सारे स्थान घूमना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दर्शाए गए 47 किलोमीटर के मार्ग द्वारा सबसे कम दूरी और समय में तय कर सकते हैं। पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है जो फ्रेजर रोड इलाके में स्थित है और पटना में एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा शहर के मध्य से 9 किलोमीटर दूर है। पटना घूमने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च माह का है। अगर आप पटना जाएं तो यहाँ का खास लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा। पटना घूमने का सबसे अच्छा तरीका ऑटो और ई रिक्शा है। पटना में मुख्यतः हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा बोली जाती है। और अब पेश है इस वीडियो का सवाल। आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि पटना के पास लगने वाले वार्षिक मेले का नाम क्या है। देखें तो आपको कितना समझ आया। जवाब देने के लिए वीडियो दोबारा देखने की अनुमति है, तो जल्दी जवाब दें और 10/10 इनाम जीतने का अवसर पाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए अंगूठे के चिन्ह पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।